जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, साफ सुथरे कमरों में रहने से अच्छा कुछ नहीं होता। तुम्हें भी ये सही लगता है ग्वेन? थियोरी में हाँ, लेकिन हम घंटों से सफाई कर रहे हैं पर वो अजीब सी बदबू अब भी हवा में है। क्या कमाल की फिल्म है बेन। कैंपर का तुम्हारा इलाका कूड़ेदान जैसा है, क्या तुम सफाई में हमारी मदद करोगे? बस सिर्फ 5। पिछली बार तुमने 5 कहा था तो वो 5 दिन थे। मेरे मोजे धोने की इतनी जल्दी मची है तो जाओ धो लो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। बीवी, मैं घरों गया। hey, मेरा प्रोग्राम। वाईफाई ने ब्रेक लिया है बेन, हम सब यहाँ रहते हैं, सबको काम करना होगा। मैं काम करूँगा। कम ऑन, मैं दिन भर बड़ी बड़ी गंदगी साफ करता हूँ। फिर तो ये बहुत आसान होगा। तुम्हारे काम की लिस्ट। ये इतना भारी क्यों है? अपना काम नहीं करोगे तो जमा होगा ही। और मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है बेन कि तुम हमारे मजेदार पिकनिक पर आज साथ नहीं चल सकते। क्या? इसे कहते हैं कर्मों का फल। जब ग्वेन और मैं मशहूर लोकल बैट गुआनो केव्स में मजे से घूम रहे होंगे, तुम उस दौरान यहाँ पर अपना काम करते रहोगे। बैट गुआनो क्या? और काम पूरा होने तक वाईफाई बंद। आई बात समझ में? मैं तो बस इतना ही समझता हूँ कि एक्सेलरेटर सब 2 सेकंड में कर सकता है। वाव, वो चलता फिरता घर कूड़े के पहाड़ से भरा हुआ है। चलो अब लग जाओ काम पर, पहले करो लड़के की टाई टाई फिस। तुम्हारे पास पेन है? देखना वहाँ कैसे कैसे कमाल होंगे। मैं काम करता हूँ, आप लोग एंजॉय करना, बाय। काम पे लग जाता हूँ। पहले ये लिस्ट देख लूं। बेटे बम्पर साफ करो अभी। ओ तो ग्रैंडपा को बम्पर साफ करवाना है, उन्हें तो मैं नाराज नहीं कर सकता। ठीक है, एक वाईफाई के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक मिनट रुको, ये चीज तो चकाचक साफ है। ये कैसी टोपी पहन रखी है तुमने? आखिर तुम हो कौन? वो बदसूरत बच्चा कहाँ है? बदसूरत तुम? ये एक मिनट रुको, डेविस्टेशन फ्लैट न्यूक्लियर टेस्टिंग में नंबर 1। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। साइंटिस्ट कीड़ा सर की अदला बदली म्यूटेट हो गए या फिर और कुछ? चलो इस जीनियस की टोपी थपथपाते हैं और इसे मूंगफली खिलाते हैं। तो अगर तुम एक कीड़े की बॉडी पर लगे छोटे से इंसानी सर हो तो इसका मतलब होता है कि बॉडी छोटी है पर मुक्का बहुत दमदार है। दूसरा पड़ाव, ये गाड़ी हाईजैक कर लो। गाड़ी हाईजैक? दोस्तों हमारी दोस्ती की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। गाड़ी रोको ताकि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं, वरना हमारी दोस्ती कैसे होगी? देखो कीड़े, इसे बदतमीजी कहते हैं। ऐसा करके तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। क्या? ये मेरा एक नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा साइक्लोन है तुम्हारे लिए। क्या बात है, इसे कहते हैं किस्मत। अगर अचानक वो साइक्लोन नहीं आया होता तो हम सीधे उस खाई में गिर गए होते। कम ऑन, एक सेकंड रुको। इस नक्शे के मुताबिक हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ओ, उल्टा पकड़ा है। मुझे माफ करना, चलते रहो। कमो यार। अब कैनन बोल्ट इस गाड़ी को पटरी से उतार देगा, देख लेना। अब तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा सोडा मत पीना। ठीक है, जल्दी करना। वो लैडिनम सुमो स्लैम गॉड। हे ग्रैंडपा, हमें जाना चाहिए। हो सकता है मैं एकदम बोर होकर बेहोश हो जाऊं। ठीक है, एक सौदा करते हैं। या तो एक दिन का ओल्ड व्हील टूर बिना पावर्स के, या दिन भर रस बकेट के टायर्स घिसना, वो भी बिना पावर्स के। टायर्स प्लीज। Thank you.
मैं कर सकता हूँ स्केट तो ये हो सकता है वेट। फास्ट नहीं लेट एक्सेलरेट। ग्रैंडपा ने कहा था तुम उस दुकान में अभी नहीं जा सकते और ये भी कि पावर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। वेल अभी नहीं, दरअसल ये उन्होंने उस वक्त कहा था। और याद करो ग्रैंडपा ने ये नहीं कहा था कि तुम्हें वो कार्ड बिना पावर्स के लाना है, इसलिए ग्वेन मैं सही हूँ। तुम जानते हो उनका मतलब क्या था? ग्वेन, प्लैटिनम, सुमो, स्लैमर, कार्ड, इस पूरे यूनिवर्स में बस एक ही है। अगर तुम जरा यहाँ रुक कर मुझे कवर करोगी तो मैं एक हफ्ते तक तुम्हारे काम करूँगा। दो हफ्ते? ओके। बदमाश कहीं के, मुझसे रेस मत लगाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुम कार्ड और गेम शॉप जाने का मेरा रास्ता रोक रहे हो। ओ सच में? तो तुम्हें थोड़ा धीरे जाना चाहिए वरना तुम ये टर्न मिस कर दोगे। और अब ये कार्ड मेरा है। यकीन नहीं हो रहा। बदमाश, कुछ के बारे में पागल हो जाऊंगा। अच्छी लैंडिंग है। सारी मेहनत सफल रही। एक कार्ड? तुमने अपने पावर्स एक कार्ड के लिए वेस्ट किए? कुछ हुआ और एक एलियन की जरूरत हुई तो? हाँ, जैसे कि इस बोरिंग से ओल्ड विल में सच में कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब दे दो। ये कौन है? बिलियंस, बिली बिलियंस। अब मेरा कार्ड मुझे लौटा दो। तुम्हारा कार्ड जो पहले पहुँचा वो उसे मिला, जो सोता है वो खोता है। मुझे वो कार्ड चाहिए और मुझे जो चाहिए होता है वो मिलता है, सब कुछ। तो जब तक मुझे तुम वो कार्ड नहीं देते। ये खटारा मेरे पास रहेगी। हे, वो हमारा कैंपर है। जो सोता है वो खोता है। वो कार्ड मुझे दे दो, फिर मैं कैंपर लौटाने की सोचूंगा। तुम फिर से? मैं फिर से। ओ, 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 ओ। वो कितने थे? क्या चार थे? हमें इस बस से उतरना होगा, ये खतरनाक है। ये क्या कह रहे हैं? मजा आ रहा है। प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि आज ओल्ड विल के रास्ते कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग है। वाओ, मैंने बिना किसी पावर्स के सारी गंदगी साफ कर दी और अब बाकी का काम ओवरफ्लो करेगा। या शायद नहीं। अब डायलॉग मारने का वक्त नहीं है, सिर्फ वक्त है फोर आर्म्स का या हीट ब्लास्ट का। ओके, हार मान लो बिली, वो कार्ड तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। स्नोई ईग्रेट्स, वो भी दो। भाई वाह, मैं आज लकी हूँ। बच्चों यहाँ आओ, चिड़ियों को देखो। इतने बोर नहीं हुए हैं ग्रैंडपा। ओके, कर दो सारा मजा मिस। ये क्या है? ओ, लगता है मुसीबत आ रही है, हमें जल्दी निकलना होगा। बच्चों क्या हो रहा है ग्रैंडपा? मुझे कुछ दिखा जिसे करीब से देखना पड़ेगा। तुम्हारी वॉच तो तैयार है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम्हें दिख रहे हैं ग्वेन? वाओ, बिल्कुल दिख रहे हैं। आगे से मुड़ेंगे तो उन तक पहुंच पाएंगे। ग्रैंडपा! देखा हूँ। ओके बेन, काम पे लगो। ठीक है ठीक है। इसमें पूरा पावर नहीं है। ये बचपना कब छोड़ोगे? अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, तुम यहीं रुको। बेन, ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना? क्या हुआ उसका? उससे हम ड्रोन्स तक पहुंच पाएंगे। वो
तुमने ग्लाइडर बनाया? हाँ। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें कैसे पता ये काम करेगा? अभी पता चल जाएगा, झुक जाइए। बहुत बढ़िया, अब वो मुझे हमेशा ताने मारेगी। अब मैं इन सबकी छुट्टी कर दूंगी। ओह, ये तो मुसीबत में है। कम ऑन ओमनीट्रिक्स, चार्ज हो जाओ। अरे वाह, ओह या। बेन, ग्वेन की मदद करो। ये ग्वेन के छोटे से ग्लाइडर को हरा देगा। अब करते हैं इन डोनट्स को फ्राई। ग्वेन का ग्लाइडर ये कभी नहीं कर पाता। वो इन डोनट्स में लेजर से तो ये है एरोडाइन मैजिक मेजिक। ओह, ये फिर से आ गए। उन पेड़ों के पास जाना जरूरी था। वो देखा तुमने? उनके पास वो क्या है? फ्लैशलाइट। ये मिस्ट्री बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इनसे तो निपट ले। तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है तो मुझे फौरन बताओ। उनके ऊपर ले चलो। क्यों? क्योंकि अब वक्त है हीरो बनने का। तुम और तुम्हारे जोक। अब मैं चला। अच्छी लैंडिंग थी बेन। हेलो मेरे स्पेरिकल अटैक प्रोजेक्टाइल। इस तरह से पेश आने के लिए सॉरी। पीठ से उठाओ। इसे समझने में मुझसे गलती कैसे हो गई? ये काम कितना आसान है अगर मैंने इस सेंट्रल ट्रांसड्यूसर को बाईपास किया। बैट्रॉन अब और नहीं। क्या बात है? वाकई बेन तुम्हारा जवाब नहीं। तो ग्वेन, डरो मत, अब मामला मेरे कंट्रोल में है और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ओफो बेन, ऐसे वक्त में मजाक। ओह नो, जमीन बहुत करीब आ रही है। कोई फिक्र नहीं। वाओ, लगता है जैसे मैं एक बैटवुमन बन गई। टेक्निकली तुम्हारा विंग स्पैन लगभग एक एल्बेट्रोस जितना है। ओह नो, हमने कुछ ड्रोन्स मिस कर दिए। सेंटर में जो डोम है शायद वही ब्रिज है। क्या वो बिलगेट्स है? हाँ वही है। वेल वेल, मेहमान आए हैं। मेरे पंख। इस साइज के होल से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एरोडायनामिक्स। हम लड़े बिना हार नहीं मानेंगे। उड़ती रहो। मेरे ही सर्वाइव ड्रोन से मुझ पर हमला। अकलमंदी लेकिन किसी काम की नहीं। क्या? मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बुलाया था। वो ड्रोन के जरिए बात कर रहा है। सही कहा। और अब जब मेरी बैटलशिप को बहुत सारा पावर मिल चुका है तो वो ड्रोन सब मेरे किसी काम के नहीं रहे। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू हो गया। चल से चल पानी की ओर जाओ। 3, 2, 1। वो क्या था? विलगैक्स, और वो भाग गया। मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मजाक कर रहे हो? तुमने सैकड़ों ड्रोन से लड़ाई की, विलगैक्स का मुकाबला किया और वो शैतानी जानवर, और तुम दोनों ने साथ काम किया। अगली बार उसे मत छोड़ना। हम नहीं छोड़ेंगे। देखो, शायद तुम विलगैक्स के खिलाफ नहीं जीते लेकिन तुमने ऐसी चीज बनाई जो 8 फीट से ऊंची उड़ी। हमारा खानदान जीनियस से भरा है। हाँ, सुनकर अच्छा लगा।